मैं एक दिलचस्प खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं ग्रेटर कैलाश में खड़ा हूँ। ग्रेटर का चौक देखें आप, ये चौक है ग्रेटर कैलाश का। यहाँ पर खड़ा हूँ मैं और यामा शोरूम जो है ये सामने, यामा शोरूम उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर एक गाड़ी में कल चोरी हुई, ये गाड़ी भी लगी हुई है, यहाँ पर चोरी हुई। और दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स की गाड़ी है जिसकी चोरी हुई, जिन लोगों की चोरी हुई, उनको दो पुलिस स्टेशन और दो चौकियों के कल चक्कर लगवाए गए। वो बेचारे घूम घूम के थक गए। कहीं एक घंटा बिठाया गया तो कहीं दो घंटे बिठाया गया और बाद में कहा गया कि ये तो हमारा एरिया ही नहीं। दिलचस्प बात यह है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है जिसमें पुलिस की वाहवाही हो, जब पुलिस की वाहवाही हो तो वो पुलिस फटाफट कहती है ये स्पॉट तो हमारा है, ये वाली जगह हमारी है, और फटाफट मामले दर्ज करने पहुंच जाती है और फिर उसकी उससे वाहवाही होती है। कुछ ऐसे जम्मू के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफी संवेदनशील हैं, जो पुलिस को पहले ही, जिस भी पुलिस स्टेशन का वो एरिया है जिसके भी अंतर्गत आता है, वो पहले से ही अपना नाप वाप लेके रखें कि ये हमारा एरिया, उसका पहले से ही तय हो। कुछ पॉइंट ऐसे हैं, एक पॉइंट तो ये ग्रेटर कैलाश जहां पर इस समय हम खड़े हैं, ये गाड़ी है यहां पर चोरी हुई है। इसके अलावा एक बख्शी नगर में भी है सुपर स्पेशलिटी, जो नीचे एक खाई गुफा जैसी है, वहां पर भी पुलिस जब भी आती है तो वो वहां पर जाके अगर कोई वैसा मामला हो तो पुलिस वहां पर भी ये इनकार कर देती है। वो ये कहती है ये हमारा एरिया नहीं है, ये हम नहीं जानते ये किसका एरिया। बस यहाँ पर काम करने की बात आती है, वहां पर पुलिस जो है वो थोड़ा सा चुप्पी साध ले। एक बार फिर से आप इस पूरे एरिया को देखें, ये ग्रेटर कैलाश का एरिया, और यहाँ पर कल तीन शख्स थे जो इस गाड़ी में आए। ये जो गाड़ी यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, वो इस गाड़ी में बैठकर आए और यहाँ पर उन्होंने गाड़ी को पार्क किया और उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए वो साथ में ही चले गए। और जब वो वहां पर गए खा पी के, जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो चोरी हो गई है, और चोरी भी इससे तीन लैपटॉप जो थे वो चोरी कर दिए गए, तीन लैपटॉप चोरी किए गए। इसके अलावा शायद कुछ और भी सामान इस गाड़ी में था, इस गाड़ी के अंदर था, इस गाड़ी से वो सामान भी चोरी हो गया। और ये लोग काफी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस जगह को अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं लगता है कि इस जगह पर चोरी हो सकती है, क्योंकि ये चलता फिरता यहाँ पर आते जाते रहते हैं। शाम को काफ़ी सारी भीड़ भी यहाँ पर इस स्पॉट के ऊपर होती है, ग्रेटर का चौक में ये शोरूम भी है। यहाँ सामने भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हुंडई का भी है, और भी काफ़ी सारे जो हैं सामने और भी यहाँ पर शोरूम हैं। लेकिन अब यहाँ इस स्पॉट पर चोरी होने के बाद लोग ज़रूर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये मामला जो है वो कैसे हो सकता है। उसके बाद वो जो शख्स थे उन्होंने सोचा कि ये ग्रेटर कैलाश का एरिया है तो ग्रेटर कैलाश चौकी जाते हैं, वहां जाके रिपोर्ट करवाएंगे। जब वो ग्रेटर कैलाश चौकी में जाते हैं तो उनको लगभग जो जानकारी है उसके मुताबिक उनको डेढ़ घंटा वहां पर बिठाया जाता है, डेढ़ घंटा बिठा कर रखा जाता है। उसके बाद फिर उनको कहा जाता है कि ये हमारा एरिया नहीं है, आप एक काम करें आप गंग्याल में जाएं, गंग्याल पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां जाके शिकायत दर्ज करवाएं। और फिर वो गंग्याल पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं, वहां पर भी उनको दो घंटे बिठाया जाता है। उसके बाद सुनने में आया कि दो बंदों को भेजा जाता है, पुलिस के दो अधिकारियों को भेजा जाता है, वो स्पॉट पर आते हैं और स्पॉट पर आकर कहते हैं कि माफ कीजिए ये तो हमारा एरिया ही नहीं है। अच्छा, फिर वो उनको कहा जाता है कि आप एक काम करें सैनिक कॉलोनी जाएं, क्योंकि ये एरिया जो है वो सैनिक कॉलोनी का है। और काफी हास्यास्पद है कि ये सब बातें जो हैं वो उस शख्स कही जा रही हैं। तीन लैपटॉप चोरी हो गए, पासपोर्ट चोरी हो गया, और भी ना जाने क्या क्या चीजें जो हैं वो चोरी हो गई, लाखों की चोरी हुई और उस शख्स को घुमाया जा रहा है। और अब जब उसको ये बोला कि आप सैनिक कॉलोनी जाएं तो वो शख्स जो था वो सैनिक कॉलोनी चल पड़ा। सैनिक कॉलोनी वालों ने ज्यादा समय वेस्ट नहीं किया और उसको कहा कि नहीं नहीं आप एक काम करें, आप सैनिक कॉलोनी में छोड़ें, आप छन्नी में जाएं, छन्नी का ये इलाका है और छन्नी में ये कंप्लेन जो है वो रजिस्टर होगी, और वहां पर भी फिर ये मामला दर्ज नहीं हुआ।
और ये जो शख्स था ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, अमन वाली इसका नाम था, जिसकी जो चोरी हुई है। इस गाड़ी का नंबर भी आप देखें, ये गाड़ी का नंबर है, ये देखें ये गाड़ी का नंबर है JK02BR7475, गाड़ी का नंबर है। और कल से ही ये शख्स जो है वो घूम रहा है। ऐसा भी लगता है कि जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, तो ऐसा लगता है कि जैसे जानबूझकर इन चोरों को भागने का मौका दिया गया, वो चोर भाग गए, क्योंकि उस समय रिपोर्ट दर्ज करके अगर कार्रवाई करते तो हो सकता वो मिल जाते थे। 3 लैपटॉप यहाँ से निकाल कर ले गए उन्होंने। देख गाड़ी का शीशा देखें कैसे तोड़ा हुआ है, पूरी तरह से इसको ब्रेक किया हुआ है। और ये यहाँ से मिरर तोड़ने के बाद यहाँ से 3 लैपटॉप और पासपोर्ट और भी कुछ सामान था उनका, वो लेकर चले गए। और अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई होगी हुई है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला काफी संवेदनशील है। और अगर अब तक कार्रवाई ना हुई हो तो फिर सोचने का विषय, और ये भी सोचने का विषय है कि ये किसके यूरिडिक्शन में आता है। ग्रेटर कैलाश का एरिया है, ग्रेटर कैलाश चौकी में ही ये दर्ज होना चाहिए था, लेकिन अब क्यों नहीं हुआ ये पता नहीं। अब कौन सी पुलिस स्टेशन ने इस मामले को दर्ज किया है, छन्नी ने किया है, सैनिक कॉलोनी ने किया है, या किसने किया है? मोहित जी, अच्छा मुझे आप बता सकते हैं इस मामले की जानकारी, ये जो ग्रेटर कैलाश में चोरी हुई है इसके इसके बारे में बता सकते हैं, ये मामला दर्ज हुआ कि नहीं? क्षेत्र बताया जा रहा है, ये क्षेत्र जंगियार पुलिस स्टेशन की जुडिक्शन में आता है, लेकिन SHO जोगिंदर सिंह के नाम आने पर SHO छन्नी दीपक कठोच ने इस मामले में पर्चा दर्ज कर लिया, वो भी स्टेट समाचार की खबर प्रकाशित होने के बाद मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस की कार्य प्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। नहीं, ये किसने किया? गंगियाल ने? SHO गंगियाल की जुडिक्शन आती थी, जिस जगह पर ये चोरी होती है, लैपटॉप गाड़ी से निकाले जाते हैं। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र गंगियाल की घटना आता है। तो गंगियाल वालों ने मना कर दिया? हाँ, गंगियाल पुलिस ने इस पर मामला दर्ज करने पहले दोनों SHO के वहां पर एक छोटी नोक झोंक होती है, लेकिन उसके बाद SHO छन्नी इस मामले में मामला दर्ज पुलिस स्टेशन छन्नी में कर लेते हैं। अगर कागजों में देखा जाए, कागजों में ये जो क्षेत्र पुलिस स्टेशन गंगियाल की घटना है। अच्छा, गंगियाल गंगियाल का ये एरिया है, गंगियाल की है कि गंगियाल पुलिस स्टेशन में आता है, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, तो उस समय मामला गंगियाल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। हाँ, जी दीपक, अब छन्नी पुलिस ने किया है, अब छन्नी पुलिस ने इसको इस पर मामला दर्ज किया है और चोरों की तलाश जारी कर दी है। कितने कितनी देर पहले ये मामला दर्ज हुआ है? दीपक जी, मेरे मतलब जो सूत्र बताते हैं कि ये मामला आज दर्ज किया गया है। आज दर्ज किया गया? हाँ, ये जो मामला ये कल हुआ था, कल 3 लोग गाड़ी में सवार थे, वो जूस पीने जाते हैं, जूस पीकर वो वापिस आते हैं, उनकी गाड़ी का पिछला शीशा टूटा होता है, तो 3 लैपटॉप उसमें से गायब होते हैं। हेलो, चलिए चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। और दीपक, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब वो शिकायत करता 3-4 जगह जाता है शिकायत लेकर, लेकिन कोई भी पुलिस उसकी सुनवाई नहीं करती है, उसे चौकी से गंगियाल भेजा जाता है, गंगियाल के बाद उसे सैनिक कॉलोनी भेजा जाता है, उसके बाद वो छन्नी जाता है। जी, अगर समय रहते पुलिस इस पर मामला दर्ज कर लेती और जल्दी ये चोर जो है पुलिस की गिरफ्त में पकड़े जा सकते थे। शुक्रिया शुक्रिया जी दीपक। तो ये देखें, अब जाके ये मामला दर्ज हुआ है, ये खबर जो है हमारे पेपर में भी प्रकाशित हुई, और मामला कल का है। फिर जैसे ये बता रहे हैं कि नोकझोंक हुई गंगियाल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, यूरिडिक्शन में उनके ये आता है, जो पेपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कागज़ हैं उनके मुताबिक ये गंगियाल का एरिया है, लेकिन कंप्लेंट दर्ज नहीं की। अब बहस किस बात को लेकर कर रहे थे ये तो वो नहीं आया, लेकिन छन्नी वाले पुलिस स्टेशन में जो थानादार हैं उन्होंने फिर ये कंप्लेंट दर्ज कर ली है। अब लड़ाई किस बात को लेकर है ये हम नहीं जानते, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यहाँ पर कुछ ऐसे वाहवाही लूटने वाली खबर हो या कुछ ऐसा मामला हो, तो फटाफट ये सारे पुलिस स्टेशन, क्योंकि 4 पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, गंगियाल, सैनिक कॉलोनी, छन्नी, ग्रेटर कैलाश, तो ये फटाफट आ जाते हैं कि हमारी यूरिडिक्शन है, हम करेंगे। लेकिन जब इस तरह के मामले आते हैं जहां पुलिस को काम करना है, तो फिर ये लोग जो है अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। अब
जब से ये खबर प्रकाशित हुई है, जब से ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, उसके बाद थोड़ी सी इनको लगा होगा कि मामला जो है वो हाथ से निकल गया है। तो अब जाकर वो भी गंगियाल पुलिस स्टेशन वालों ने नहीं बल्कि छन्नी वालों ने ये मामला दर्ज किया है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।